हमारे साथ कांग्रेस के नेता अरविंद सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से पिछदम की बात की जा रही है, उनको कल से खोजा जा रहा है, आखिर वेयर आउट हैं कहाँ वो भी? देखिए, मैं एक लार्जर इशू पे बात करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से हम यही कहते आए हैं कि जो बीजेपी में नेता हैं उन पर क्यों नहीं सीबीआई ईडी होते हैं, तमाम कांड हुए हैं। हमने अभी देखा उन्नाव में जो घिनौनी हरकत हुई है, वहाँ के बीजेपी एमएलए को सीबीआई मदद कर रही है। जो विपक्ष के नेता हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो सीबीआई ईडी खत्म। एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। वो हम आंध्र प्रदेश देखें, असम देखें, वेस्ट बंगाल देखें, उत्तर प्रदेश देखें, ऐसे व्यक्ति जो ज्वाइन कर लेते हैं उन पर सीबीआई ईडी खत्म हो जाता है। जो विपक्ष में आवाज़ उठाते रहेंगे उन पर सीबीआई ईडी उनके यहाँ उनको रोज़ हैरान परेशान करते रहेगी। लार्जर क्वेश्चन है, क्या इस सरकार ने कोई प्रोविजन अलग लाया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सीबीआई ईडी उन्हीं को घर जाएगी जो विपक्ष में सरकार से सवाल पूछते हैं, इकोनॉमी पर, नौकरियों को जाने पर, बेरोजगारी पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हजारों लोगों को नौकरियों से निकाली जा रही है, क्या उन्हीं पर सीबीआई ईडी का काम होता है? क्या ये नया कोई प्रावधान सरकार लाई है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग चूंकि सवाल पूछते चलते कार्रवाई की जा रही है? नहीं, आपने आज नहीं, मैं तो आपको अनेकों उदाहरण दिए ना कि जो जिन लोगों पे विपक्ष ने जिन पे जिन नेताओं ने इनसे सवाल पूछे उनके घर सीबीआई ईडी पहुंची, परंतु जब वो भाजपा ज्वाइन कर गए तो सारे सीबीआई ईडी के केस समाप्त। तो ये कौन सा कानून नया चल रहा है इस देश में, प्रजातंत्र में या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिवर्तन हुआ है ये देश जाने। पार्टी क्या करने वाली, पार्टी अगला स्टैंड क्या होगा? नहीं, पार्टी तो ये सवाल पूछ ही रही है ना कि जो नेता बड़े नेता सवाल इस सरकार से उठाएंगे उसके यहाँ सीबीआई ईडी, और वही नेता बीजेपी चले जाए तो सवाल सवाल जवाब खत्म। तो कानून इस देश में है या नहीं है ये एक सवाल बन के रहता है। बिल्कुल हिमानी, बार बार कांग्रेस तब से कहा जा रहा है कि अगर कोई कांग्रेस का नेता कोई सवाल खड़े करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन वही नेता अगर बीजेपी ज्वाइन करता है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है सरकार।